Hello, friends. I welcome you all on my YouTube channel Science Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of polymer chemistry which was asked in CSIR net during the year 2019 exams. Okay, friends. So, first we discussed June 2019 questions. So, let's start. See, this is your first question. It says the degree of polymerization and the fraction of monomer consumed. of a polymerization reactions are related as and you have four options friends aapko degree of polymerization and jo fraction of monomers consume hote hain dono ke beech relation find karna hai चार options में से two marks का question नहीं है चलिए देखते हैं देखिए जो आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट रिलेशन होता है हमको पता है कि रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक्स क्या होता है आपके पास वन अपॉन वन माइनस पी ये रिलेशन डायरेक्ट है एंड यहाँ पर देखिए जो आपको एन दे रखा हुआ एक्चुअली में क्या डिग्री ऑफ पॉल्यूमराइजेशन ही आपका दैट इज़ ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लिंग्स या डिग्री ऑफ पॉल्यूमराइजेशन इन्हीं को हम क्या बोलते हैं इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस पी ये क्या होगा आपका डायरेक्ट रिलेशन सो so आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा राइट आंसर टू मार्क्स का क्वेश्चन था ये सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशन बताना था ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज द रिएक्शन रेट ऑफ अ सेल्फ कर्टालाइज पॉली एस्टेफिकेशन रिएक्शन इज गिवन एज कंजम्शन ऑफ सी ओ एच इज इक्वस टू द कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ एच का स्क्वायर इन टू हाइड्रोक्साइड आयन इफ़ एम नॉट इज द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिलिक मोनोमर्स देन द डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन इज गिवन बाय एंड यू हैव फोर ऑप्शन फोर मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स ओके आपको एम नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है आपको डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन फाइंड करना है चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स ये जो आपको एस्टरीफिकेशन रिएक्शन गिवन होते ही, आपको पता होना चाहिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है आपकी सो फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यू नो काइनेटिक्स में हम देखते हैं रिलेशन दैट इज वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टी यहाँ पे ए नॉट क्या होती है इनिशियल कंसेंट्रेशन ए क्या होती है कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी ओके सो अब देखिए यहाँ पर आपको ए की जगह क्या गिवन है एम गिवन है इनिशियल कंसनट्रेशन सो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं सो uh, so, यहाँ से एट टाइम टी जो आपका एम होगा वो कितना हो जाएगा एम नोट माइनस एक्स जैसे आपका ए जो होता है ये ये कि, कि, किसके इक्वल हो जाता है तो ए नॉट माइनस जितना कंजम्पशन हुआ है डेट इज़ एक्स तो ऐसे ही यहाँ पर ये तो एम गिवन है तो एट टाइम टी पर जो आपका फाइनल कंसन्ट्रेशन ऑफ एम है वो कि, 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 किसके किसकेक्वल हो जाएगी इनिशियल कन्सन्ट्रेशन माइनस जितना कंजम्पशन हुआ डेट इज़ एक्स एम माइनर कंजम्पशन सो यहाँ से आप क्या मान सकते हैं एक्स इज इक्वस टू एम नॉट इंटू पी सो एम इज इक्वस टू एम नॉट माइनस एम नॉट इंटू पी यहाँ से फाइनल कंसेंट्रेशन आपको मिल गई वन माइनस पी इंटू एम नॉट ओके फ्रेंड्स सो देखिए अब आप, आपको पता है ए की जगह एम माना है तो आपने इस एम की वैल्यू फाइंड कर ली तो आप क्या करेंगे सिंपली इस एम की वैल्यू को इसी इक्वेशन में प्लेस कर देंगे जो आपसे इक्वेशन निकाली सो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी वन अपॉन देखिए वन माइनस पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम नॉट स्क्वायर यही होगा ओके इज इक्व टू टू के टी ठीक है फ्रेंड्स सो देखिए यहां पर जो पी है आपको क्या है इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स विच अंडरगोज इन पॉलीमराइजेशन आपको ये पता होना चाहिए कि पी इज द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ मोनोमर्स विच अंडर गो इन पॉलिमराइजेशन ओके विच अंडर गो इन पॉलीमराइजेशन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स पी यहाँ पर ये है सो अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए यहाँ से आप देखेंगे वन अपॉन वन माइनस पी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा आपके अगर आप इसको रीअरेंज करें सो माइनस वन इज इक्व टू टू के टी एम नॉट स्क्वायर क्या करेंगे आप फ्रेंड्स वन अपॉन एम नोट स्क्वायर को क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए सो वन अपॉन एम नोट स्क्वायर को कॉमन लेने पर यहाँ पर ये टर्म बची वन अपॉन वन माइनस प्योली स्क्वायर वन अपॉन एन एम नोट स्क्वायर से कट हो जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा माइनस वन क्योंकि ये पूरी टर्म वन अपन एम स्क्वायर हमने क्या ली कॉमन एंड जब आप इसको वापस से रीअरेंज करेंगे सो वन अपॉन एम स्क्वायर का एम स्क्वायर क्या चला जाएगा इस साइड चला जाएगा इसके मल्टीप्लीकेशन में टू के टी इन टू एम स्क्वायर सिंपली यही हमने किया है ओके सो यहाँ से वन अपॉन वन माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्व टू टू के टी एम नॉट स्क्वायर प्लस वन ये हो गया अब देखिए फ्रेंड्स इससे पहले वाले में भी हमने क्या बताया था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था अगर आपको बताओ तो उसमें देखिए हमने ये वैल्यू क्या निकाली थी वन अपॉन वन माइनस पीट इज अ प्रोबेबिलिटी ये तो प्रोबेबिलिटी ये थी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ लिंग्स के इक्वल सो so, ये आपकी आ जाएगी अब देखिए वहाँ पर था वन अपॉइंट वन माइनस पी यहाँ पर एक है वन अपॉइंट वन माइनस पी स्क्वायर सो इट इज़ इक्वल्स टू एवरेज या फिर हम बोल सकते डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एन या एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लिंग्स जो हमने रिलेशन फाइंड किया था यही था सो एन स्क्वायर इज इक्वस टू टू के टी एम नॉट स्क्वायर प्लस वन यही आ जाएगा फ्रेंड्स ओके okay. यहाँ पे आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए डेट इज़ एन इज इक्व टू वन अपॉन वन वाइनस बी ये डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी एंड जो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ लिंग्स है या जो आप बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिमराइजेशन है उसमें तो यहाँ से एन स्क्वायर का वैल्यू टू के टी एम नाट स्क्वायर प्लस वन सो तो अब देख लीजिए आपका इसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन मैच हो रहा है आपका क्वेश्चन में जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका देखिए वो क्या है इस क्वेश्चन का राइट right आंसर देख लीजिए आप फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा ओके सो फ्रेंड्स ये था आपके क्वेश्चन जो जून 2019 में आए थे चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चंस जो दिसंबर 2019 में आए थे ओके सी इट्स इज फर्स्ट क्वेश्चन सेज इन अ पॉलीमर ऑफ एन मोनोमर यूनिट्स द आरएमएस सेपरेशन बिटवीन द टू एंडस इज़ प्रपोर्शनल टू एंड यू फॉर फोर ऑप्शन फ्रेंड्स आपको अगर एन मोनोमर यूनिट का पॉलीमर ग्यूवन आपको ये फाइन करना है कि जो इसका आर एम एस शेपरेशन है या रूट मीन स्क्वायर लेंथ जो होती है उसका रिलेशन क्या होता है इन मोनोमर यूनिट्स के साथ फोर मार्क्स का क्वेश्चन था ये ओके okay. चलिए देखते हैं देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होता है जो रूट मीन स्क्वायर लेंथ होती है पॉलीमर की वो कितनी होती है एन की पावर वन बाई टू यही तो होती है सो so, यहाँ से जो आपकी आर एम एस लेंथ होती है उसका रिलेशन क्या होता है प्रोपोर्शनल टू एन की पावर वन बाई टू देख रहा है आपको डेट इज ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये फोर मार्क्स का ओके फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी इट सेज द टाइट्रेशन ऑफ 4.4 ग्राम ऑफ अ पॉलीमर हैंग कार्बोक्सलिक्रुप रिक्वायर्स एलेवन एम एल ऑफ पॉइंट जीरो टू मोल एन एच द एवरेज मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल ऑफ द पॉलीमर इज एंड फोर ऑप्शन आपको तो एक टाइटेशन गिबन है एक तो पॉलीमर जिसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉलीमर है उसकी क्वान्टिटी फोर ग्राम गिबन है एंड किसके बीच हो रही है एलिवन में मोल ऑफ पॉइंट जीरो टू मोल एन यू एच मीन कार्बोक्सिलिकसिड और एन एच की टाइट्रेशन आपको इस पॉलीमर का एवरेज मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल में फाइंड करना है चार ऑप्शन है टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये ओके चलिए देखते हैं देखिए देखिए फ्रेंड्स हमको यहाँ पे क्या आ, हम सपोज अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ सी एच ग्रुप जो है नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के इक्वल है ओके ऐसा हम अज्यूम करते हैं अज्यूम द नंबर ऑफ सीओ एच ग्रुप इज इक्वस टू नंबर ऑफ पॉलिमर मॉलिक्यूल्स ओके अब देखिए पॉलीमर में क्या सीओ एच ग्रुप टाइट्रेशन किसके बीच हो रही है सीओ एच एन किसके एनओ एच के बीच सो इट मीन इफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय एनओ यही तो हो रहा है यहां पे। तो यहां से अगर आप फाइंड करें मोल्स ऑफ एनओ को वो किसके इक्वल हो जाएंगे देखिए मोल्स क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम एम इनटू वी सिंपल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता ही है सो so, मोलरिटी ऑफ़ एन एच डेट इज कैपिटल एम इन टू वॉल्यूम ऑफ एन ओ एच वी सिंपल सी तो देखिए मूल्स ऑफ एन ओ एच मॉलेलिटी देखिए जो आपको गिवन है कितनी गिवन है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है अब देखिए वॉल्यूम गिवन है आपको एम में मिलीलीटर में एंड जो आपको देखिए एवरेज मोलम फाइंड करना है एक ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मोल में तो इट मीनस आपको क्या इसको चेंज करना होगा सो so, इसको आप चेंज करिए लीटर में डेट इज़ एलेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री लीटर सो so, ये आ जाएंगे आपके जब आप इसको सॉल्व करेंगे टू पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर मोल्स ये क्या मिल गया आपको मोल्स ऑफ एनएच सो देखिए आप जितने मोल्स ऑफ एनएच कंज्यूम हो रहे होंगे जितना मोल्स ऑफ एन मतलब टाइट्रेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है एसिड न्यू जितना न्यूट्रलाइज होता है सेम क्वांटिटी में होता है मींस आपका जितना एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है एन तो एसिड के भी उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे जितने मोल्स ऑफ एन के यूज़ हो रहे सो इट मींस यही क्या होंगे जित अगर मोल्स ऑफ एन जितने इतने तो सी uh, ओ के मोल्स भी उतने ही होंगे सो मोल्स ऑफ सी ओ एच इज़ इक्व टू टू पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर एंड आपको पता है कि हमने ये माना नंबर ऑफ सी ओ एच ग्रुप्स किसके इक्वल है नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स सी ओ एच इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पॉलीमर सो मोल्स ऑफ सी ओ एच किसके इक्वल है मोल्स ऑफ पॉलीमर के सो इट मीन अब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए किसके पॉलीमर के एंड आपको देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है फोर पॉइंट फोर ग्राम ऑफ पॉलीमर क्वेश्चन दिख रहा है ना आपका कॉर्नर में फोर पॉइंट फोर ग्राम इट मीन्स ये जो फोर पॉइंट फोर ग्राम दिया है आपका मास ये किसका दिया है आपको इन टू पॉइंट टू इंटू टेन की पावर फोर मोल्स पॉलीमर्स का सो इट मीन्स जो आपको गिवन है मास ऑफ टू पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर मोल पॉलीमर कितना गिवन है फोर पॉइंट फोर ग्राम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है एंड आपको क्या फाइंड करना है द एवरेज मोलर मास देखिए मोलर मास मींस एक मोल जो है आपका पॉलीमर उसका मोलर मास सो सिंपली आप क्या कर देंगे सो मास ऑफ वन मोल किसके इक्वल हो जाएगा फोर पॉइंट फोर इंटू वन अपॉन टू पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस फोर ठीक है तब देखिए ये हो गया आपके टू टेन की पावर फोर ऊपर चला गया तो टेन की पावर फोर कितना हो गया टेन थाउजेंड इंटू टू डेट इज़ ट्वेंटी थाउजेंड ग्राम ये क्या आ गया आपका मास ऑफ वन मॉल ऑफ पॉलीमर आपको मास ऑफ़ टू पॉइंट टू इंटू तो मतलब आपको क्या करना है फ्रेंड्स सिंपल कैलकुलेशन लगानी है आपको जो गिवन वेट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे उससे आप क्या निकालेंगे एक मोल का एवरेज मोलर मास ये है आपका ग्राम में सो सिंपली ये कितना हो गया आपका ट्वेंटी किलोग्राम पर मोल किलो ये तो ग्राम पर मोल है इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी किलोग्राम पर मोल सो इट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकेंड ठीक ठीक है फ्रेंड्स सिंपल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये इलेवन ट्वेल्थ बेस पे क्वेश्चन है आपको मूल कॉन्सेप्ट जो होता है अगर आपका मूल कॉन्सेप्ट है तो ये क्वेश्चन आप इजीली अटैम कर सकते हैं टू मार्क्स का था ये क्वेश्चन ओके नाउ फ्रेंड्स देखिए अगर हम बात करें गेट एग्जाम्स की तो प्रीवियस के सिक्स ईयर्स में मतलब 2015 से 2020 में केवल एक 2016 थाउजेंड ऐसा ईयर था जहां पर पॉलीमर से क्वेश्चन आया था सो so, मैं आपको वो क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ जिसमें ये टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया था क्वेश्चन वन मार्क्स का था ये एम सी क्यू था तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सी इट सेज अ प्रोटीन सैंपल कंसिस्ट ऑफ एन इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ राइबोन्यूक्लियस मोलर मास इज थर्टीन पॉइंट सेवन किलोग्राम पर मोल हीमोग्लोबिन फिफ्टीन पॉइंट फाइव किलोग्राम पर मोल एंड मायोग्लोबिन इलेवन पॉइंट टू किलोग्राम पर मोल द स्टेटमेंट डेट इज़ ट्रू अबाउट द वेट एवरेज मोलर मास द नंबर एवरेज मोलर मास इन द पोलो डिस्पर्सिटी इंडेक्स फॉर दिस सैम्पल इज एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड आपको एक प्रोटीन सैम्पल गिवन है इसमें तीन प्रोटीन्स है इक्वी मुलर मिक्सचर में राइबो न्यूक्लियज है हीमोग्लोबिन है मायोग्लोबिन है इन सबके मास गिवन है आपको ये फाइंड करना है कि ये जो आपका सॉल्यूशन गिवन या सैम्पल गिवन है इस इसके जो वेट एवरेज मोलर मास है नंबर एवरेज मोलर मास एंड डिसपर्सिटी इंडेक्स क्या होगा ठीक है चलिए देखते हैं देखिए गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन का क्वेश्चन नहीं है आपका देखिए अगर आप बात करें राइबो न्यूक्लियस की तो इसका गिवन है आपको थर्टीन पॉइंट सेवन हीमोग्लोबिन का गिवन है फिफ्टीन पॉइंट फाइव एंड मायोग्लोबिन का गिवन है सेवन पॉइंट टू ये क्या है इनके मोलर मास अब देखिए क्वेश्चन में आपको इक्वी मिक्सचर सो सपोज हम सबके नंबर ऑफ मोल्स वन मान लेते हैं ओके अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या हुआ आपका ये मोनोडिस्पर्ट सिस्टम तो देखिए मोनो डिस्पर्स एंड पॉलीडिस्पर्स क्या मोनोडिस्पर्स में सेम नंबर ऑफ सेम चेन लेंथ एंड सेम सेम साइज एंड सेम क्या होता है पॉलीमर यूनिट्स प्रेजेंट होती है अब यहाँ पर तो तीनों का मिक्सचर है तो ये तो एक तरह से क्या होगा आपका एक सिस्टम हो गया ये तो एक पॉलीडिस सिस्टम यह आपको पता है एंड आपको पता है पॉली सिस्टम के लिए पॉली इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है वन से ज़्यादा तो एक चीज़ तो आपको पता लगे कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन वन ओके एंड पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है जो आपका वेट एवरेज मोलर मास होता है वो नंबर एवरेज मोलर मास से क्या होता है ज़्यादा होता है बिकॉज इट इट इज़ अ रेशो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास एंड नंबर एवरेज मोलर मास विच इज ग्रेटर देन वन पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स यही तो होता है तो इतना आपको पता लग गया अब देखिए ये दो रिलेशन पता लग गया अब आपको ये फाइंड करना है कि नंबर एवरेज मोलर मास कितना होगा सो so देखिए नंबर एवरेज मोलर मास हम बात करते हैं समीशन ऑफ़ एम एम इंटू एन अपॉन समीशन ऑफ एन एम क्या होता है मोलर मास एंड एन क्या होता so तो है नंबर ऑफ मोल्स सो हम उन्हें तो नंबर so ऑफ मोल्स तो सबके इक्वल है सो देखिए आप क्या कर देंगे थर्टीन पॉइंट सेवन प्लस फिफ्टीन पॉइंट फाइव प्लस सेवनटीन पॉइंट टू अपॉन समीशन ऑफ एन डेट इज़ थ्री ये हो जाएगा सिंपली सो so, यह आपका आ जाएगा फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर अपॉन थ्री सो नंबर एवरेज मोलर मास गिवन बाय फिफ्टीन पॉइंट फोर सिक्स नीरली इक्वल टू फिफ्टीन पॉइंट फाइव किलोग्राम पर मोल या आ गया ओके सो देखिए पी डी आई इज ग्रेटर देन वन एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एम एन एंड एम वैल्यू ऑफ एम इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव किलोग्राम पर मोल सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर वन हो क्या हो जाएगा राइट right आंसर इस क्वेश्चन का दिख रहा है आपको क्वेश्चन कौन में ओके फ्रेंड्स सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल सा है केवल एकमात्र ही क्वेश्चन था जो गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन में आया था लास्ट के छः साल के गेट के क्वेश्चन में ओके okay, सो so ये था आपके पॉलीमर के कुछ क्वेश्चन आई होप आपको समझ आए होंगे सो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग